हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आप एग्ज़ाम देने कल जा रहे हो तो उसके पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम, एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी हैं और कुछ टिप्स आप दे दीजिए। तो इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले जो जो चीज़ें लेकर जानी हैं और जो मैं टिप्स आपको दूंगी, आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, पूरा डिटेल से वीडियो देखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखिए, एग्जाम में वैसे आपको जाना है तो आपको खुद पता है कि क्या लेकर जाना है। कोई ये यूनिक चीज है तो मैं आपको बताने वाली हूं नहीं, ये नॉर्मल चीज है। सबसे पहले तो आपको अगर जाना है तो लेकर क्या जाना है, एडमिट कार्ड। अपना एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी जरूर लेकर जाइएगा। ओरिजिनल तो आप जो भी आपने निकाला है वो रखिएगा ही, लेकिन फोटोकॉपी जरूर एक से दो ले लीजिएगा। दूसरा है, आप पेन यूज़ करोगे। ये आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है OMR बेस्ड हो रहा है, जैसे आप जान रहे हो OMR बेस्ड हो रहा है। तो OMR जब भी चेक होता है तो मशीन के थ्रू स्कैन होता है, तो उसमें मैं ब्लू पेन के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी ब्लैक पेन ले लेना। और कितने लेना, दो लेना, कम से कम दो लेना, या तीन या चार भी लेकर जाना। तो आप ब्लैक पेन ले लेना, दो या तीन ले लेना। ब्लैक ज़्यादा यूज़ करना, ब्लू को अवॉइड करना करने से। और जेल नहीं करना है। कौन सा ब्लैक पेन यूज़ करना है, बॉल पेन। जेल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जेल जो है फैल जाता है, और फिर वो अगर OMR में फैल गया तो आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, वो आपका पेंडिंग में जा सकता है या वो फिर काउंट नहीं होगा। तो ये हो गए। तीसरी चीज़ है आइडेंटिटी प्रूफ। कुछ भी ले सकते हो, आधार कार्ड ले सकते हो, वोटर आईडी ले सकते हो, अपने पहचान पत्र एक ले करके जाना, वो एक ले लेना, ताकि कहीं पे कुछ जो है प्रॉब्लम आपको ना हो। तो ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद, क्योंकि कोविड के टाइम से ही मास्क जो है कंपलसरी किया गया है, तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे भी ये कंपलसरी किया गया हो, तो मास्क भी आप ले लोगे। तो इन चार चीज़ों को आपको लेकर जाना है। अब मैं जो कुछ टिप्स दे रही हूँ उसको फॉलो करना। आपको पेन में बॉल पेन ही यूज़ करना है, जेल तो बिल्कुल अवॉइड करना है। और आप लोगों को जो है थोड़ा सा अपने आप को जो है पहले से ही, जाने से पहले से ही टाइम मैनेज करके जाना है। आपका एग्ज़ाम में कितना मिनट का टाइम है, 90 मिनट्स का। घर में ही आप फिक्स कर लेना कि एग्ज़ाम के 90 मिनट्स को आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, कब आप जो है OMR को फिल करोगे और कब जो है क्वेश्चन देखोगे उस तरह से। तो देखो, मैं आपको अगर अपने तरफ से सजेस्ट करूँ तो 5 मिनट जो है आप क्वेश्चन पेपर जरूर देखना कि किस तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद से जो भी क्वेश्चन आपको मिले होंगे, क्वेश्चन पेपर में ही आप टिक करते जाना कि चलो भाई ये मेरा हो रहा है, ये मेरा हो। जिसमें डाउट है उसको टच मत करना। और उसके आधे घंटे तक वो सारे क्वेश्चन लेने के बाद आप लोग जो है आधे घंटे के बाद 30 मिनट के बाद जो है OMR फिल करना। OMR फिल करने के लिए आप लोग कम से कम 15 मिनट का टाइम देना। वहाँ पे OMR फिल करने के लिए 15 मिनट का टाइम जरूर देना, और जल्दीबाजी नहीं करना है। OMR भी अच्छे से फिल करना है, आंसर भी अच्छे से फिल करना है। उसके बाद फिर से जो है आपको आना है अपने क्वेश्चन में, जो डाउट वाले क्वेश्चन है उसको करना है। याद रखना, 85 क्वेश्चन करना है, 50 से ज़्यादा नहीं। 51 क्वेश्चन करोगे वो काउंट नहीं होगा। OMR मशीन के थ्रू चेक होता है, मशीन में पहले से फिट रहेगा ओनली 50 क्वेश्चंस को चेक करने के लिए। तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन जाएगा आपका, वो चेक नहीं होगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम, 1 से 75 तक क्वेश्चन है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 1 से 75 तक के बीच में कोई भी क्वेश्चन करो, लेकिन वो काउंट करके 50 होना चाहिए। उसमें बिल्कुल ये डाउट मत रखना कि भाई 1 से 50 तक ही करना, नहीं, 1 से 75 तक के में आपको ओनली 50 क्वेश्चंस करने हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फॉलो करना है कल के एग्ज़ाम में। आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और प्रैक्टिस अच्छे से करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है, काम रहना है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।